आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिल्ली चिकन। इसके लिए कुछ सामान की ज़रूरत है, वो दिखाता हूँ। आधा किलो चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, कॉर्न फ्लोर, साल्ट, बेसन, मैदा, टोमेटो केचप, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, काली मिर्च कुटी हुई, ये प्याज और शिमला मिर्च। इसको बाद में काट के बाद में दिखाएंगे, ये जब फाइनल जब बनाएंगे। और ये फूड कलर। अब सबसे पहले मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम डालेंगे नमक। ये हमने नमक डाल लिया और ये मैदा हमने थोड़ा सा, इतना था मैदा, ये बेसन, एक चम्मच बेसन, ये 2 टीस्पून टोमेटो केचप हो गया, और ये ग्रीन चिली 2 टीस्पून ग्रीन चिली, सोया सॉस 2 टीस्पून, ये काली मिर्च, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच डालेंगे। उसके बाद जब फाइनल बनाएंगे तो फिर दिखाता हूँ आपको। और अरारोट कॉर्न फ्लोर जिसको बोलते हैं, बस इतना सा, 1 टीस्पून, ये फूड कलर हो गया। लेमन जूस, आधा लेमन जूस इसमें हम लेंगे, और वाइट वेनेगर डालना है, और अंडा, ये हमने अंडा आधा डाल ले रहे हैं, एक अंडा हो गया, और ये वेनेगर, वाइट वेनेगर, बस। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने ये मैरिनेट हो रहा है। ये हमने चिकन को, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, और इसको 1 घंटा के लिए तकरीबन हमने रेफ्रिजरेटर में रखना है इसको, ताकि अच्छी तरह मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। उस कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है तेज आंच पे, और इसको हम फ्राई करके अलग रख लेंगे फाइनल डालने के लिए। बस इसको नम बिल्कुल भी ज़्यादा नरम नहीं करना है, बिल्कुल तेज आंच पे 1-2 मिनट के लिए इसको तलना है। ये देखिए आपके, बस इसको जो हम तल लेना है, और शिमला मिर्च फ्राई हो गई है। अब इसको बाद में लास्ट में खाली मिक्स करके चला देना है। इसको हम आउट करके अब चिकन तलने जा रहे हैं। एक एक पीस करके कढ़ाई में डालेंगे एकदम तेज आंच पे, और ऐसे ही इसको अलग पलट के सेक लेंगे, और बिल्कुल हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है, और चिकन थोड़ा सा और इसको डीप फ्राई करेंगे, और इसी तरह हम सारे चिकन करके निकाल लेंगे। देखिए ये फ्राई हो गया है हमारा चिकन, अब इसको स्मोकी करेंगे ऐसे, बस कुछ आधा मिनट के लिए इसमें हमारा स्मोकी हो रहा है ये चिकन, और इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्मोकी फ्लेवर, वो भी चिल्ली चिकन में स्मोकी फ्लेवर बहुत मायने रखता है। और इसके बाद हम बस फाइनल, अब चिकन हमारा स्मोकी हो चुका है, चिकन हमारा पूरी तरह स्मोकी हो चुका है, अब इसको उतारते हैं। कढ़ाई चढ़ी है मेरी, अब चॉप किया हुआ इसमें अदरक लहसुन हरा मिर्चा ये डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा सा चलाएंगे, 1 चम्मच शक्कर कंसिस्टेंसी के लिए। अब इसमें डालेंगे वेनेगर,
एक टीस्पून सोया सॉस, ग्रीन चिली 1 टीस्पून अंदाजे से, रेड चिली, टोमेटो, टोमेटो किचर, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, और कॉर्नफ्लोर ये बिल्कुल हमने गिलास में घोल लिया था 2 चम्मच, अपनी जितनी ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से। अब इसको लगातार चलाएंगे हाई फ्लेम पे, और नमक, थोड़ा सा नमक, चिकन डालेंगे इसमें। चिकन डालना है, ये देखिए ये चिकन हमने डाल दिया जो हमने फ्राई करके रखा था, और उसके साथ में हम ये अनियन और ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे, और इसको तेज आंच पे ही भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए। और ये हमारी चिल्ली बिल्कुल तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार हो गई हमारी चिल्ली, तैयार हो गई है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। प्लेटिंग कर सकते हैं इसके बाद। देखिए बिल्कुल कितना अच्छा कलर आया है, और देखिए ये पीसेस हैं, ये कैप्सिकम है, प्याज है। प्रोसेस आपको बताया मैंने। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस चैनल को देखने के बाद पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।